थंडा ज्वर काश को हालुकार विपद साजुची इन्फ्लुएंजा कर्णाटक हरियाणा रे HCN2 रे दुई जनकर मृत्यु होइतबार खबर वर्तमान सामना को आसुचे। भारत में वर्तमान पर्यंत 90 जन एक नुआ वायरस रे आक्रांत होइछन्ते। देखिबा ए संपर्कित खबर। तबे देश में अनेक राज्य में इन्फ्लुएंजा भूताणुर प्रकोप बढ़िबारे लागिछि। H3N2 भूताणु जोगु दुई जनकर मृत्यु हेबा परे चिंता बढ़िछि। जनकर हरियाणा रे मृत्यु होइथवा बेले आउ जनकर कर्नाटक रे मृत्यु होइछि। सारा देश में वर्तमान H3N2 भूताणुर 90 मामला सामना को आसिलाणि। ए भूताणु हांगकांग फ्लू भाबे मध्य बेस परिचित। साधारण भाबे इन्फ्लुएंजा रे काश थंडा निश्वास नेबारे कष्ट अनुभूत होइथाय। छाती रे कफ मध्य जमी थाए। रोगी रो गला रे कष्ट अनुभव होइथाय। मुंडो बिंधा होइथाय। एहा छडा डायरिया रा मध्य शिकार होइथाय रोगी। लक्षण ठीक कोरोना भली देखा जाउछे। कोरोना महामारी परे एमिती फ्लू बापुत व्यापुथिबा जोगु डर मध्य बढ़ुछि लोकंक मनरे। कारण एथिरे आक्रांतंक ठारे कोरोना भली लक्षण देखिबाकु मिलुछि। 10-12 दिन धरि प्रबल ज्वर एवं काश लागि रहुछि। आईसीएमआर रिपोर्ट मुताबक गत 2-3 मास धरि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस व्यापीबारे लागिलाणि। देशर अनेक भागरे एही H3N2 इन्फ्लुएंजार लक्षण देखिबाकु मिलुछि। रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थिबा लोकंक पई एहा अधिक विपदजनक। एभली स्थितिरे इंडियन मेडिकल आसोसिएसन IMA परामर्श देइछि, काश थंडा ज्वर हेले बिना चिंतारे आंटीबायोटिक्स खान्तु नाही। डॉक्टरंकर परामर्श नियंतु, बिना चिकित्सारे आंटीबायोटिक्स खान्तु नाही। डाक्तरंकर परामर्श नै आंटीबायोटिक्स खाइबाकु कहिछि IMA। कोरोना समय रे आवश्यकता ठारु अधिक आंटीबायोटिक्स खाइबा द्वारा शरीर रे एहार प्रतिरोध व्यवस्था मध्य सृष्टि होइछि। तेणु आंटीबायोटिक्स खाइबा आगरु सतर्कता जरूरी बोली मध्य डाक्तर माने परामर्श देउछन्ते। संपर्क में अधिक आलोचना करने प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धरा आम सहित रही। डॉक्टर धरा, आपको स्वागत करुछु आलोचना को। पुणी एक वायरस जहाँ को नहीं वर्तमान कोटि प्रकार चर्चा आलोचना सृष्टि है, चिंता केते ताहा तो आम आपण जानबू। यह एक सीजनल वायरस ना कोविड पर घातक? देखु मधु, गोटे जिन कहते आम बे भयभीत हाँ ना कोविड भाई गोटे नूतन फ्लू नुहे, जोटा कि आगु भी थिला इन्फ्लुएंजा। आप जानते प्रति वर्ष तार किसी ना किसी तार चेंजेस करी, जेहेतु RNA भूताणु किसी ना किसी चेंजेस करी से इन्फेक्शन हुए। एस्पेशली छोट छुआ कहतु, जो मैंने गर्भवती महिला जो मैंने इम्यूनिटी कम अच्छी से मूटा बेसी प्रभाव करे। और सीजनल फ्लू जमी अलग भूताणु अच्छा रेस्पिरेटरी सिंसियल भूताणु कहतु कि अन्न्य भूताणु जोटा कि रेस्पिरेटरी ट्राक को अफेक्ट कर, ठीक से इन्फ्लुएंजा ए गोटे भूताणु H3N2 गोटे तार गोटे गोटे प्रकार आप जानते आगु जो ICMR रिपोर्ट करते जो जिते गुड़े केस देखी H3N2 मिलता H1N1 मिलता ये सब गुड़िक लक्षण सामान आपड़ी कहते ज्वर हवा तंटी जर हवा खास हवा धई छई लगवा चेस्ट पेन हवा ये सब लक्षण प्राय सब भूताणु देखा जाए सब इन्फ्लुएंजार भूताणु देखा जाए H3N2 मत देखा जाए। चिंतार कारण यही कि जो मैंने वर्तमान आम इम्यूनिटी कम अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अच्छी से विपदपूर्ण हो पाए कि भयभीत हवा ना। तेणु आम जो इम्यूनिटी बढ़ावाई जहां जहाँ प्रयास तो करवा जदि कौन लोकर कौन एमती लक्षण देखा जाए जोटी निश्वास नवर असुविधा हवा कहतु बहुत दिन धरी ज्वर हवा कहतु डाक्तर परामर्श नि। द्वितीय जिनस जहाँ आप आलोकपात कर जो आंटीबायोटिक जीतु यहाँ गोटे भूताणु जनित समस्या संभवतः एतरे कोनोसी एंटीबायोटिक रोल ना। जदि कोनोसी सेकेंडरी इन्फेक्शन हुए जमी बैक्टेरियल इन्फेक्शन ता सहित जदि हुए ताऊपर एंटीबायोटिक दिया जाए। तेणु डाक्तरों परामर्श अनुजाई जदि दरकार पड़ो एंटीबायोटिक ने कारण एंटीबायोटिक यार कौन दरकार ना और एंटीबायोटिक खाइले एर कौन उपशम हम ना। द्वितीय जिनस हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे संभावना अच्छी जितेबाला आपंकर बैक्टेरियल इन्फेक्शन हो सेतेबाला ता प्रति तार काम न दे। डॉक्टर धर, एथे पई किछ वैक्सीनेशन रा आवश्यकता रहुछि? निश्चय या पई वैक्सीनेशन अछि किंतु इन्फ्लुएंजा भूताणु आपण जानिचंदि पूर्व स्ट्रेन उपरे वैक्सीन तयार जाय। प्रति वर्ष जो नुआ नूतन भूताणु आसे तार जो प्रकार भेतर जो भूताणु जो वैक्सीन ता तयार हुए सेटा पाखापाखि मे जून बेलकू आवेलेबल हुए कि नवेम्बर बेलकू आवेलेबल हुए।
किंतु एबे जदि आपण एक्यूट फेज रे वैक्सीनेशन देबे तार आपनको प्रतिषेधक व्यवस्था रे आपनको इम्यूनिटी डेवलप करियाकु 3 रु 4 सप्ताह लागिवो। तेणु आम पाखे जो वैक्सीन अच्छी जोटा इनफ्लुभैक आम दौ इनफ्लुएंजा वैक्सीन से सब स्ट्रेन को कवर जदि न करे कि उपयोगी हो पाए से जोर डायबिटीज अच्छी जो मान रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अच्छी वर्तमान परिस्थित सचेतनता हूँ सबुठ बड़ उपाय जो मैंने संवेदनशील अच्छा जो मानक वैक्सीन नवार जरूरी अच्छी 65 वर्ष ऊर्ध जो मानक डायबिटीज से पीड़ित अच्छा जो मानक रेस्पिरेटरी इनफेक्शन अच्छी आजमा सीओपीडी अच्छी हार्ट प्रॉब्लम अच्छी से वैक्सीन दरकार अच्छी जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अच्छी ताकु देले आमे प्रोटेक्टेड रहिबा। प्रथम कथा मु कहि रखिया चाहन्छि कोविड बलिया एत घातक नुहे यार इन्फेक्टिविटी बहुत अधिका गोटे लोकरु बहुत लोक को यहाँ व्यापी पारे तेणु जो मैंने संवेदनशील अच्छा निश्चय सतर्क रहा दरकार। डॉक्टर धारा आपंकर धन्यवाद आपको बहुत बहुत आपंकर परामर्श पाई जहाँ आप सूचना देले जहाँ को नहीं लोक मन में गोटे भय रोला नुआ भूताणु हेत घातक हो पारे विशेष घातक नुहे किंतु आमको सतर्क रहिबाको पड़िबो। जेमुली भाबरे आमे जनगहलीपूर्ण स्थान को गले मास्क परिधान करूथिले कोविड समय रे सेही भली भाबरे मास्क परिधान करिबा टिके डिस्टेंस मेंटेन करिबा निजरो सुरक्षा पई एवं जेउ मानंकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अछि डाक्टरंकर परामर्श रे सेमाने वैक्सीनेट मध्ये होई परिबे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धारा आम सहित रहिथिले जे संपर्क रे अधिक आलोचना करूथिले।